हम लगातार लगे रहे, फादर प्रेम को जिंदा लाने की कोशिश करते रहे, जितने भी लोगों की मदद लेनी पड़े ली, 9 महीने तक मेहनत की और एक दिन हमें सफलता मिली, उसको लाया हम काबुल में और मैंने दिल्ली से यहां उसके परिवार को फोन किया। प्रेम की बहन ने फोन उठाया, मैंने कहा मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहा हूं। वो मानने को तैयार नहीं थी, क्या प्रधानमंत्री एक गरीब परिवार में फोन करेगा? मैंने उनको कहा मैं सच बोल रहा हूं, मैं प्रधानमंत्री मोदी बोल रहा हूं और मैंने कहा मैं आपको खुशखबरी देने के लिए फोन किया है। मैंने कहा कि आपका भाई फादर प्रेम अब हमारे हाथ आ गया है, आतंकवादियों से छुड़ा लिया है और अभी काबुल एयरपोर्ट में वो बैठेगा विमान में और 3 घंटे के अंदर वो दिल्ली आ जाएगा। आप अपने परिवार को खुशखबरी दे दो और फादर प्रेम आ गया, परिवार में पहुंच गया। एक काम करने वाली सरकार, जनता की चिंता करने वाली सरकार किस प्रकार से काम कर सकती है, इसका आप नमूना देख रहे हैं।